जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर मेरठ रोड स्थित देव मेमोरियल पब्लिक स्कूल में मंगलवार 13 फरवरी को उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्षा रेखा नागर, गढ़ विधायक हरेंद्र तेवतिया, सीडीओ अभिषेक कुमार ने दीप प्रज्वलित कर वंदना राष्ट्रगान के साथ गुब्बारे छोड़कर खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता 2024 जूनियर वर्ग के प्रतिभागियों ने अपना दमखम डीएम पब्लिक स्कूल के खेल के मैदान में दिखाया। स्कूल प्रबंधक राजेंद्र चौधरी ने बताया कि कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एथलीट, वेटलिफ्टिंग, फुटबॉल, जूडो आदि खेल के खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के कानपुर जोन, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, आगरा, मेरठ, बरेली के खिलाड़ी 3 दिन तक अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाएंगे। राज्य स्तरीय आयोजित खेल प्रतियोगिता में युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने एवं जिला युवा कल्याण के अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अतिथियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शील्ड व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जिसमें मेरठ जोन की वंशिका ने 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बालक वर्ग में प्रथम वाराणसी जोन से खिलाड़ी गौरव यादव रहा। जूडो में तनिष्क आर्यन ने और महक ने एवं लड़कियों के वर्ग में कबड्डी खेल में कानपुर जोन के टीम ने लखनऊ की टीम को हराया। प्रथम दिन दौड़, जेवलिन थ्रो, लंबी कूद, जूडो एवं कबड्डी की प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गईं। आयोजित खेल कार्यक्रम में गढ़नगर पालिका अध्यक्ष राकेश बंजरंगी, ऋषि कुमार, जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रबंधक राजेंद्र कुमार, प्रधानाचार्य मंजू चौधरी, ढाबा संचालक बिजनेसमैन मामा यादव, गढ़ समाज सेवी दिनेश गर्ग, दिनेश खेड़ा आदि शामिल रहे। कहां-कहां से कितने जोन इनमें हिस्सा लिया है और देखिए पूरी राज्य की स्तर पर प्रतियोगिता हो रही है और 8 जोन है, 8 जोनों के बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर। और ये युवा कल्याण विभाग से हो। उत्तर प्रदेश सरकार की जो खेल शुरू किए हैं ये कौन से नंबर पर खेले, दूसरे पर, तीसरे पर? मैं समझा नहीं, कैसे मतलब? ये उत्तर प्रदेश सरकार युवा कल्याण द्वारा जैसा खेल चालू किए गए हैं। हाँ। और हमारी विधानसभा को सबसे बड़ा सौभाग्य मिला के सेकंड नंबर पर आ सभी। हाँ। प्रतिभागी ध्यान दें और सभी जोन से उनके टीम मैनेजर देखिए, इसमें जो हमारे 400 मीटर स्कूल के 200 मीटर महाप्रबंधक हैं राजेंद्र कुमार जी, उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पूरे प्रदेश में ऐसी ग्राउंड कहीं पर भी नहीं मिलेगी जैसी गढ़मुक्तेश्वर में। तो यहाँ के बच्चों का सौभाग्य है कि उनको इतनी अच्छी ग्राउंड यहाँ पर मिल रही है। और उसी में अभी प्रदेश में अभी एक बच्ची फर्स्ट आई है 100 मीटर में, वंशी का नाम है जिसका। 2024 का इस समय बजट सीजन चल रहा है और लगातार खेलों की तरफ सरकार का ध्यान है, इस बार बजट को बढ़ाया गया है, तो क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं कि और क्या प्रयास किया जाएगा आपकी तरफ से? क्षेत्र में पूरे में बहुत अच्छा संदेश है, क्योंकि आने वाले बच्चों के लिए जो खेल के मैदान में पहले कुछ नहीं, इसमें खेल में प्रतियोगिताओं में बच्चों को कुछ नहीं मिलता था, अब उसके लिए बच्चों का मनोबल बढ़ा है आगे बढ़ने के लिए। तो अभी जैसे अपने क्षेत्र में गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में सरकार की तरफ से कोई स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं है, तो उसके लिए सरकार से किस तरह की गुजारिश या प्रयास किया जाए? मेरी बात हुई माननीय मंत्री जी से, उनसे करने के लिए, तो उसमें बल्कि उनको आना था लेकिन किसी कार्यक्रम की वजह से वो नहीं आ पाए, इसमें आगे मिल करके कुछ ना कुछ यहाँ पे कराया जाए। जो बच्चे स्पोर्ट्स में अव्वल हैं उनको लगातार जैसे डिप्टी एसपी और अन्य पदों पर तैनाती के लिए सरकार की तरफ से घोषणा है, तो इसे कैसे देखते हैं आप? इसका बहुत अच्छा संदेश है, महाराज जी ने तो विधानसभा में कहा कि उन्होंने पहले ही जो स्पोर्ट जो खेल हुए थे उनमें जो बच्चे और जो बच्चियां हमारी गोल्ड मेडल लाएंगी उनको डिप्टी एसपी बनाया जाएगा। जिस तरीके से जन पखवाड़े लगते हैं, कई तरह की योजनाओं के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, तो स्पोर्ट्स को जागरूक करने के लिए क्षेत्र में किस तरह के प्रयास और किए जाने चाहिए? सरकार कर रही है, गाँव-गाँव खेल के मैदान बन रहे हैं और ज़्यादातर, क्योंकि होता क्या था गांव में पहले खेल के मैदान नहीं थे, लेकिन हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे
प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस पर प्राथमिकता दी जा रही है कि गांव-गांव खेल के मैदान मिले जिससे कि बच्चों को प्रोत्साहन मिले। स्पोर्ट्स सेंटर में प्रदेश स्तर के जोन लेवल के प्लेयर पहुंचे हैं, क्या क्या उनके साथ गेम हुए हैं और कौन फर्स्ट आया है? ये बड़े सौभाग्य की बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश का यूथ गेम आपके यहाँ हो रहा है जिसमें 8 जोन हैं और उन जोन्स में से जो सेलेक्ट होके आए थे टॉपर्स वही अब इसमें खेले हैं। इसमें अभी तक 100 मीटर की रेस हुई है जो बॉयज़ ग्रुप की है और लड़कियों की है। लड़कियों में आपकी जोन और आपके क्षेत्र आपके ज़िले की और आपके स्कूल की बच्ची ने टॉप किया है, पहला स्थान प्राप्त किया है। कितने दिन तक चलेगा ये कार्यक्रम? ये 3 दिन का है जिसका आज शुभारम्भ हुआ है, 15 तारीख को इसका समापन होगा।